से सकारात्मक बदलाव भी नजर आते हैं, लेकिन जिनकी दृष्टि संकुचित है, जिनका दृष्टिकोण एक सीमित दायरे तक कैद है, वह उस बदलाव को देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरा यह मानना है कि मैं पीछे नहीं जाना चाहता। वर्ष 2019 की तीन प्रमुख घटनाओं को उल्लेख में जरूर करूंगा, जिसमें पहला दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन प्रयागराज कुंभ का था, जिस कुशलता के साथ स्वच्छता का, सुरक्षा का और सुव्यवस्था का एक मानक उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी ने देश और दुनिया के सामने स्थापित करके प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ संपन्न किया है, वह देश और दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन पहली बार किसी राज्य की राजधानी के बाहर, यानी राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अगर कहीं हुआ है तो किसी राज्य की राजधानी में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने राज्य की राजधानी के बाहर काशी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन आयोजित किया, और पहली बार उत्तर प्रदेश को यह अवसर प्राप्त हुआ था और सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक 15वां प्रवासी भारतीय दिवस ने उस अवसर पर स्थापित किया। इन दोनों आयोजनों ने पुलिस के व्यवहार की एक नई चर्चा को बल भी दिया। कुंभ में जो भी श्रद्धालु गया होगा, देश और दुनिया का 24 करोड़ श्रद्धालु गया था, उसमें से तीर्थ यात्री भी थे, पर्यटक भी थे, पत्रकार भी थे, और सामान्य जायजा लेने के लिए आने वाले घुमंतु भी थे। हर प्रकार के लोग थे, लेकिन सबने पुलिस के सामान्य व्यवहार की चर्चा की और उसकी तारीफ की। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में जिन्होंने 200-250 वर्ष पहले भारत की धरती को जिनके पूर्वजों ने छोड़ दिया था, वे अप्रवासी भारतीय भी थे, भारतवंशी भी थे, और जो अपनी रोजी रोजगार के लिए दुनिया के तमाम देशों में गए हैं, वे सभी लोग प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन में आए थे। उन सभी ने काशी के विकास, काशी के आयोजन की चर्चा तो की, लेकिन साथ साथ कोई ये बोलना नहीं बोला कि हमें बड़ा परिवर्तन नजर आया है पुलिस के वर्तमान व्यवहार पर, जो उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे ढंग से अपने व्यवहार के माध्यम से प्रत्येक आयोजन में आने वाले अतिथि के दिल को जीतने का कार्य किया था। मुझे लगता है तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। आज कई तरह के कार्यक्रम थे सीएम योगी आदित्यनाथ के, और उसी क्रम में विश्वविद्यालय के सम्मान समारोह में प्रदेश के मेधावी छात्रों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सम्मानित किया।